सो हे गाइज, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइज, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और आप पर्सनल लोन की तलाश कर रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट लोन ऐप लेके आ चुका हूँ, जहाँ से आपको इंस्टेंट लोन मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे तीन टाइप का लोन मिलता है। पर्सनल लोन सैलरीड, जिसमें आपको 4 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा, और एक फ्लेक्सी पर्सनल लोन, जिसमें आपको 1 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा, और एक आपको परचेस ऑन EMI लोन मिलता है, जिसमें आपको 1 लाख रुपये तक का लोन मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आप यहाँ से 4 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं, और अगर आप एक सैलरीड पर्सन नहीं है, आप अपना काम खुद का बिजनेस करते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं, तो आपको यहाँ पे फ्लेक्सी पर्सनल लोन मिलता है, जिसमें आपको 1 लाख रुपये तक का लोन मिल जाएगा। और इस लोन को लेने के लिए ना ही आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना होता है, ना ही आपको ज़्यादा पेपर वर्क करना होता है। इंस्टेंट आप यहाँ से लोन को अप्लाई कर सकते हो, तुरंत उस पैसे को आप अपने बैंक में ले सकते हैं। तो कैसे आपको यहाँ से लोन को अप्लाई करना है, साथ ही साथ उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करना है, सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको भी चाहिए इंस्टेंट पर्सनल लोन, तो इस वीडियो को देखिएगा कंप्लीट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लोन ऐप का डाउनलोड लिंक मिलेगा। सबसे पहले आप उस लिंक पर क्लिक करके इस लोन ऐप को डाउनलोड करेंगे। अब जैसे ही दोस्तों आप इस लोन ऐप को डाउनलोड करके ओपन करेंगे, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले लैंग्वेज चूज करना है कि आप किस भाषा में इस लोन ऐप को चलाना चाहते हैं। जैसे कि आपको दो लैंग्वेज मिलता है, एक इंग्लिश और एक हिंदी। चलिए हम इंग्लिश में यूज करेंगे, तो हम इंग्लिश यहाँ पे पहले से सिलेक्टेड है। इसके बाद आपको कंटिन्यू ऑप्शन दिख रहा है, कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड आप वेट करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, आपको यहाँ पे पहले ही लोन टाइप के बारे में बता दिया जाता है कि आपको यहाँ पे तीन टाइप का लोन मिलता है। एक पर्सनल लोन फॉर सैलरीड के लिए, अगर आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ से 4 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अगर आप एक सैलरीड पर्सन नहीं, आप अपना काम करते हैं, खुद का बिजनेस चलाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आप यहाँ से फ्लेक्सी पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ से आप 1 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको परचेस ऑन EMI लोन मिलता है। इस लोन को लेकर आप कोई भी प्रोडक्ट EMI पर ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे फ्लेक्सी पर्सनल लोन अप्लाई करके दिखाने वाले। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना काम करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं, आप एक सैलरी पर्सन नहीं है, तो हम यहाँ पे फ्लेक्सी पर्सनल लोन आपको अप्लाई करके दिखाने वाले हैं। और जो पर्सन है, जिनका हम लोन अप्लाई करके दिखाएंगे, वो भी एक सेल्फ एम्प्लॉयड ही है, अपना काम वो करते हैं। तो चलिए हम फ्लेक्सी पर्सनल लोन को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों, जैसे आप लोन टाइप को सिलेक्ट करेंगे, देख सकते हैं आपको यहाँ से लोन का कंप्लीट डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे फ्लेक्सी पर्सनल लोन लेने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ आप दे सकते हैं, आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो आपका एज मिनिमम 21 ईयर होना चाहिए, और आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के नागरिक होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। इसके बाद अगर लोन अमाउंट की बात करें, तो आप यहाँ आज से 1300 रुपये से लेकर, देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम आप 1300 रुपये से लेकर मैक्सिमम 1 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। और अगर EMI टेनर की बात करें, तो आपको यहाँ से 3 मंथ से लेकर 12 मंथ का EMI टेनर मिल जाता है। और इंटरेस्ट रेट की बात करें, तो यहाँ पर आपको 18% से लेकर 29% तक का इंटरेस्ट रेट देना होगा पर NM के हिसाब से। ये दोस्तों आपका लोन अमाउंट के ऊपर डिपेंड होगा, जितना आप लोन लेंगे, जितना आप टेनर सेलेक्ट करेंगे, उसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। और प्रोसेसिंग फीस की बात करें, तो यहाँ पे बताया गया प्रोसेसिंग फी रेंज फ्रॉम 85 to 80 रुपीज़। आपको यहाँ पे 85 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक का प्रोसेसिंग फीस देना होगा। ये आपके लोन अमाउंट पे डिपेंड होगा, जितना आप लोन अमाउंट लेंगे, उसी हिसाब से आपको प्रोसेसिंग फी देना है। अब सिंपल, इस लोन को लेने के लिए आपको यहाँ पे लॉग इन साइन विथ मोबाइल का ऑप्शन दिख रहा है, आप लॉग इन विथ साइन इन, आप लॉग इन साइन अप विथ मोबाइल ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, सबसे पहले आपको इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे। तो चलिए हम फटाफट अपना मोबाइल नंबर एंटर करते हैं। अब मोबाइल नंबर एंटर करके आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही दोस्तों आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड वेट करेंगे, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा। आप जो मोबाइल नंबर दिए हैं, उस पर OTP जाएगा, और ये OTP ऑटोमेटिक फैच होगा। देख सकते हैं मेरा OTP फैच हो चुका है। अब जैसे आपका OTP फैच हो जाता है, अब आपके सामने नया पेज आता है। अब आपको इस ऐप को अपने डिवाइस का कुछ परमिशन देना होता है, तो आप यहाँ पे रीड करेंगे इसको। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टर्म और कंडीशन का चेकबॉक्स दिख रहा है, इस पर आपको टिक मार्क लगाना है। इसके बाद दोस्तों आप आई एग्री ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और एक एक परमिशन को आप अलाउ करते हैं, परमिशन को अलाउ कर देते हैं। कुछ सेकंड आपको वेट करना है। अब दोस्तों जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं, तो देख सकते हैं अब आपके सामने इस प्रकार डैशबोर्ड शो हो जाएगा। फिर से आपको यहाँ पे लोन टाइप सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप लोन टाइप को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम फ्लेक्सी पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे, तो चलिए हम फ्लेक्सी पर्सनल लोन को सेलेक्ट करते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करेंगे, फिर से आपको यहाँ पे फ्लेक्सी पर्सनल लोन के बारे में डिटेल में बताया गया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है वहीं सब यहाँ पे बताया गया है। अब आपको कंटिन्यू एप्लीकेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आप कंटिन्यू एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड को वेरीफाई करना है, तो आप यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। इसके बाद दोस्तों आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
अब दोस्तों पैन नंबर को वेरीफाई करने के बाद अब आपको अपना इनकम डिटेल्स यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है कि आप किस टाइप का काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको सैलरीड का ऑप्शन मिल रहा है सेल्फ एम्प्लॉयड का। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको अपना मंथली इनकम यहाँ पे फिल करना है कि आप एक महीने में कितना इनकम करते हैं वो इनकम डालेंगे। इसके बाद आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों इनकम डिटेल्स आप जैसे ही सेलेक्ट करके सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो देख सकते हैं आपका लोन यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा और जितने लोन अमाउंट के लिए आप एलिजिबल होंगे, जितना लोन आपको यहाँ से मिलेगा वो लोन आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कंग्रेचुलेसन का मैसेज मिल चुका है और हम जिनका लोन अप्लाई कर रहे हैं उनको यहाँ पे 1 लाख रुपये तक का लोन अप्रूव किया गया है, वे यहाँ से 1 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आपको इस लोन को अपने बैंक में लेने के लिए आपको और 4 स्टेप कंप्लीट करने हैं। लोन एलिजिबिलिटी आपका कंप्लीट हो चुका है, अब आपको लोन एप्लीकेशन फिल करना है, लोन एग्रीमेंट साइन करना है और लोन अमाउंट को अपने बैंक में आपको ट्रांसफर करना है। अब इसके बाद आप कंटिन्यू टू अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे आप कंटिन्यू टू अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे 3 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। पहले आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, जनरल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है, इसके बाद आपको रेफरेंस देना है। तो चलिए हम केवाईसी डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करते हैं। पहले हम केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट में सबसे पहले एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है। तो आप एड्रेस प्रूफ में अपना आधार कार्ड का फोटो अपलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड का फोटो आप दोनों साइड अपलोड करेंगे, बैक साइड भी और फ्रंट साइड भी। इसके बाद आपको अपना एक सेल्फी कैप्चर करना है। तो इसके लिए आप कैप्चर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। आप अपना एक सेल्फी को क्लिक करके अपलोड करेंगे, देन इसके बाद आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे आप अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं तो देख सकते हैं आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा और यहाँ पे एक राइट आइकन लग जाएगा, यानी आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड जैसे ही हो जाएगा ग्रीन टिक यहाँ पे लग जाएगा। अब आपको जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करना है तो आप जनरल इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको सबसे पहले अपना एक ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी आप डालेंगे तो यहाँ पे आपको फेच ईमेल फ्रॉम जीमेल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जितने भी जीमेल लॉगिन है वो ईमेल आपके सामने शो हो जाएगा। आप अपना एक ईमेल को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप मैनुअली ईमेल को डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंटर ईमेल एड्रेस पर अपना ईमेल को डालेंगे। अब दोस्तों ईमेल सेलेक्ट करने के बाद अब आपको अपना जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करना है। कंप्लीट आप अपना जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। सबसे पहले आप अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, अगर आप शादी कर चुके हैं तो मैरिड, शादी नहीं हुआ तो सिंगल। इसके बाद आपको डिवोर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद आप अपना एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करें, कितना तक पढ़े हैं। इसके बाद आप अपना प्रोफेशन ऑक्यूपेशन फिर से सेलेक्ट करेंगे कि आप काम क्या करते हैं, किस टाइप का आपका ऑक्यूपेशन है। इसके बाद आप अपना इसके बाद जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस होगा वो आपके डॉक्यूमेंट से ही फैच कर जो आप एड्रेस प्रूफ दिए हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे रेसिडेंस टाइप सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं फिर से आप लोन ऐप के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब आपको लोन अमाउंट को अपने बैंक में लेने के लिए आपको यहाँ पे गेट नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, आप गेट नाउ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं आप लोन अमाउंट को आपको बैंक में ट्रांसफर करने के लिए आपको फिर से यहाँ पे गेट नाउ ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों आप गेट नाउ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे लोन अमाउंट सेलेक्ट करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से 1300 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये तक का फ्लेक्सी लोन ले सकते हैं। तो आप यहाँ से लोन अमाउंट को सेलेक्ट करके स्लाइड करके सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको लोन टेनर सेलेक्ट करना है कि आप कितने मंथ के लिए इस लोन को लेना चाहते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे लोन अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, टेनर सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप व्यू समरी एंड चार्जेस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपना लोन का कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे अगर हम 1,20,000 रुपये का लोन लेते हैं तो टोटल इंटरेस्ट हमें कितना देना है, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना यहाँ पे करना होगा, फीस चार्जेस यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगा, सब कुछ शो हो जाएगा और कितना अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर होगा, कितना क्रेडिट होगा वो अमाउंट भी शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसफर टू बैंक 1,12,725 रुपये ट्रांसफर होंगे 1,20,000 रुपये के लोन में। इसके बाद यहाँ पे आपको बाय ईएमआई प्रोडक्ट का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप ईएमआई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो ये ऑलरेडी चेक मार्क लगा रहेगा, अगर आप इसको नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसको अनचेक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे गेट माई क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट देखना चाहते हैं इस ऐप में आकर तो इसके लिए आपको 40 रुपये का भी फी देना है। तो इसको आप अगर नहीं लेना चाहते हैं तो इसको भी आप अनचेक करेंगे। इसके बाद आप व्यू रिपेमेंट शेड्यूल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप जैसे ही व्यू लोन समरी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका लोन ईएमआई का कंप्लीट डिटेल शो हो जाएगा। अब आपको सब कुछ चेक करने के बाद कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे लोन पर्पस सेलेक्ट करना है कि आप लोन क्यों लेना चाहते हैं। तो देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पे लोन पर्पस आपको मिलेगा। आप यहाँ पे अगर आप पर्सनल रीजन के लिए लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीजन को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम चलिए पर्सनल रीजन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब लोन पर्पस सेलेक्ट करके आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं अब आपको अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना है जिस बैंक अकाउंट में आप लोन के पैसे को लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे बैंक का एफसी कोड है। इसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, बैंक अकाउंट नंबर को दोबारा कंफर्म करेंगे। इसके बाद आप ऐड अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
अब दोस्तों जैसे आप अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर लेते हैं, आपको लोन एग्रीमेंट को साइन करना होगा, तो आप डिजिटल साइन विद फेस को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपका लोन एग्रीमेंट यहाँ पे शो हो जाएगा, आप जितना भी यहाँ से लोन ले रहे हैं आपका लोन का कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, सब कुछ आप अच्छे से चेक करेंगे, रीड करेंगे, इसके बाद आप व्यू एग्रीमेंट एंड साइन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप इंटर करेंगे, देन आप सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब ओटीपी डाल के जैसे सबमिट करते हैं आपका डिजिटल साइन सक्सेस हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे प्रोसीड ऑप्शन दिख रहा है, प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आपका बैंक अकाउंट डिटेल फिर से शो हो जाएगा, जिस बैंक अकाउंट में आपका लोन ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप यहाँ पे सब कुछ चेक करेंगे और यहाँ पे बता दिया गया है योर लोन विल बी प्रोसेस इन 1 आवर, यानी 1 घंटे के अंदर आपका लोन अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस लोन ऐप से लोन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इस लोन ऐप का नाम भी बता देता हूँ, इस लोन ऐप का नाम है क्रेडिट वी पर्सनल लोन ऐप। इस लोन ऐप का डाउनलोड लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस लोन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको इस वीडियो में इस लोन ऐप से लोन अप्लाई करने का प्रोसेस दिखा दिया है कि कैसे आपको लोन को अप्लाई करना है और साथ उस पैसे को आपको अपने बैंक में कैसे ट्रांसफर करना है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन कोई भी सवाल है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।